हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ऑफसेट एंटिटीज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक स्केच बनाना होगा, फिर हम उसे ऑफसेट करेंगे। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट कमांड का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करें तो अब आपका ऑफसेट कमांड एक्टिव हो गया। और यहाँ पे ये सारे टूल दिए गए हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे। उसके लिए हमें स्केच सेलेक्ट करना होगा, तो हम स्केच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डायमेंशन दीजिए कि कितना एम एम ऑफसेट चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 12 mm ऑफसेट चाहते हैं। एंटर। अब ऐड डायमेंशन, तो इससे क्या होगा कि जो ऑफसेट होगा वहाँ पे डायमेंशन दिखाई देगा कि 12 mm ऑफसेट हुआ है। दूसरा है डायरेक्शन, ये अभी इनसाइड है, अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये आउटसाइड हो जाएगा। उसके बाद है सेलेक्ट चेन, इसको टिक करेंगे तो देखिए ये चारों साइड अपसेट हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल लाइन के चेन से बना हुआ है। अगर हम इसे अनटिक करेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन अपसेट होगा। तो हम चारों साइड अपसेट करेंगे, तो सेलेक्ट चेन को टिक करें। अब यहाँ पे बाय डायरेक्शनल, मन इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड अपसेट होगा। यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड अपसेट हो रहा है। ओके कीजिए, देखिए 12 mm, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सर्किल ऑफसेट एंटिटीज 10 mm। एंटर। सर्किल सेलेक्ट कीजिए, इनसाइड आउटसाइड। ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए। पहला कि बेस ज्योमेट्री, कि जो आपका बेस है अगर आप उसे कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। और दूसरा ऑफसेट ज्योमेट्री, कि जो आप ऑफसेट कर रहे हैं आप उसे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। तो हम पहले बेस ज्योमेट्री देखते हैं, इसको अनटिक कीजिए। बेस ज्योमेट्री बाय डायरेक्शनल, इसको वन साइड कीजिए। ओके। तो देखिए ये हमारा बेस है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया और इसका ऑफसेट 10 mm। दूसरा देखते हैं, ऑफसेट एंटिटीज, इसको अनटिक कीजिए। ऑफसेट ज्योमेट्री, इसको टिक कीजिए और सर्किल सेलेक्ट कीजिए, इसका डायमेंशन 12 mm। एंटर। ओके। तो देखिए ये जो ऑफसेट हुआ है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान है, आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।